अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह क्या डिस्कस करते हैं? आज हम डिस्कस करेंगे जी, हमारे पास क्या है, ये रिलेशन को डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए जाते हैं हम रिलेशन को डिस्कस करते हैं। रिलेशन हमारे पास क्या होता है, तो उससे पहले बात करते चलूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। आइए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा टॉपिक? रिलेशन। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू एनी नॉन एम्प्टी सेट है। हमारे पास दो सेट है और ए और बी, वो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। का मतलब क्या है कि वो खाली सेट नहीं है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद है। ठीक है, एनी सबसेट आर, कोई हमारे पास सबसेट है आर ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, जो हमने लेने हैं ना जी, ए बी दो सेट लिए हैं, एक सबसेट लिए है आर। ठीक है, उसका रिलेशन कैसे बनेगा? ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अगर हम ए टू बी रिलेशन बन रहा है, अगर ए क्रॉस बी है तो ए टू बी रिलेशन बनेगा। अगर हम इसको बी क्रॉस ए ले लें, ऐसे ले लें बी क्रॉस ए, तो फिर हमारा रिलेशन है बी टू ए बनेगा। ठीक है जी, अगर हम ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा फिर? ए टू बी, अगर बी क्रॉस ए ले रहे हैं हमारा रिलेशन बी टू ए बनेगा। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा रिलेशन की डेफिनेशन। क्या था इसमें कि दो सेट लिए हमने और एक सबसेट लिया है आर। ठीक है, जो सेट लिए हैं वो नॉन एम्प्टी है और जो सबसेट लिया है वो आर है। ठीक है, उसका हम रिलेशन कैसे बनाएंगे? ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम आर को हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है जी, ए टू बी, ए टू बी उसका रिलेशन है। ये चीज है ना, ये इसमें ये रिलेशन है इसका, ये वाला। ठीक है, कैसे रिलेशन है? ए टू बी रिलेशन, अगर बी क्रॉस ए हो जाए फिर बी टू ए रिलेशन बनना था इसका। ठीक है, ये थी इसकी सादा सी डेफिनेशन रिलेशन की, या प्रिपेयर कर लें। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? इसमें हम लेंगे लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ऑर्डर ऑन एस। ठीक है, एक हम सेट लेंगे एस, वो नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है जी, वो खाली सेट नहीं है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं, सेट एंड ऑर्डर। ठीक है, जो उसका ऑर्डर होगा ना वो एस में ही होगा, सेट का ऑर्डर होगा ना वो ऐसे होगा। इज ए रिलेशन, वो रिलेशन कैसे बनाएगा अगर उसके वो रिलेशन भी बनाए? ठीक है, रिलेशन कौन सा बनाए जो हम ऊपर डिस्कस करके हैं, वो ही रिलेशन बनाए। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा जी, सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम, और इसके दो एक्सियम है, अगर वो सेटिस्फाई करवाए ठीक है, तो उसमें वो हमारा ऑर्डर बन जाएगा। ऑर्डर कैसे बनेगा? एक सेट लेंगे हम एस, ठीक है, वो नॉन एम्प्टी होगा, उसके बाद क्या होगा जी, एन ऑर्डर, ऑर्डर और एस इज ए रिलेशन। हमने एस का ऑर्डर जो फाइंड करना है वो इसी रिलेशन से फाइंड करना है, इस रिलेशन को यूज करते हुए। इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम, इस रिलेशन को यूज करते हुए इसके दो एक्सियम है वो हमने सेटिस्फाई करवाने। ठीक है, आइए देखते हैं जी वो क्या है एक्सियम। फर्स्ट एक्सियम क्या है जी इसका? फर्स्ट एक्सियम क्या है जी इसका? लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। ठीक है जी, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी है जी इसका फर्स्ट एक्सियम। तो वो क्या होता है जी हमारे पास, फॉर ए बी हमारे पास बिलोंग करता है आर में से। ठीक है जी, तो हम इसको कैसे लेते हैं? इसकी भी आगे तीन पार्ट्स हैं, ए लेस देन बी होगा, दूसरा क्या है जी, ए ग्रेटर देन बी होगा, और तीसरा हमारे पास क्या है जी, अगर ए इज इक्वल टू बी हो। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी रिलेशन हो तो वो हमारा लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी बन जाता है। ठीक है जी, ये थी उसकी फर्स्ट कंडीशन। और उसका दूसरा एग्जीम है क्या था जी, दूसरा था उसका जी ट्रांजिटिव लॉ, ट्रांजिटिव लॉ। ये हमारे पास ट्रांजिटिव लॉ क्या होता है? ठीक है, इसमें हम करते हैं ये फॉर ए बी हमारे पास है ना, जो वो बिलोंग करता है आर में से, इसको क्या लेंगे हम, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, देन हमारा क्या आएगा जी, देन हमारा आएगा ए लेस देन सी। ठीक है जी, कहता है कि अगर ए लेस देन बी से हो और बी लेस देन सी से हो, देन हमारा ए लेस हो जाएगा सी से। ये कैसे होगा? आप इधर देखिए कि ए हमारा इधर क्या है, बी से छोटा है। ठीक है, इधर बी छोटा है सी से, तो फिर ए छोटा सी से भी हो जाएगा, क्योंकि ए छोटा बी से है और बी छोटा सी से है, तो फिर ए छोटा हो जाएगा सी से। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए को लिया है टू हमने, ठीक है, और बी को हमने वो लेना है कि जो इससे बड़ा हो। ठीक है, वो हमने ले लिया टू लेस देन थ्री, कंडीशन सेटिस्फाई है।
अब हमने बी को 3 लिया है, तो लेस देन सी हमने वो लेना है जो बी से बड़ा हो, वो हमने 4 ले लिया है, ठीक है जी। देन हम अब आते हैं ए की जानब, ए हमने क्या लिया था 2, ठीक है जी, लेस देन सी हमने क्या लिया है 4। तो ये था ये हमारा इसका ट्रांजिटिव लॉ, ये ऐसे होल्ड होगा, ठीक है। ये आप मतलब जो करेंगे ना, एक ये वाला और एक ये वाला, अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी और ट्रांजिटिव लॉ, तो हमारा फिर वह क्या हो जाएगा, वो हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें भी ऐसे ही है कि हम ए लेस देन बी ले, तो कोई भी ले रहे हैं आप, ए वो लेना है जो बी से छोटा हो, इधर ए वो लेना है जो बी से बड़ा हो, इधर वो लेना है जो दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये था जी हमारा लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी एंड ट्रांजिटिव लॉ। ये किसके एग्जाम थे, जिस एग्जाम थे ये ऑर्डर के, ऑर्डर फाइंड करना था इससे, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हमारा ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। वो रिलेशन था, रिलेशन ही है जी, ये हम रिलेशन ही दे रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल मल्टीप्लीकेशन एडिशन, ये सारे हमारे रिलेशन है, हम रिलेशन को यूज करते हुए हमने इसका क्या करना है, ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, ऑर्डर सेट को, पहले हमने जस्ट ऑर्डर को देखा है, अब हम ऑर्डर सेट को देखते हैं जी। क्या है इसमें हमारे पास, ए सेट ऑन विच एन, ठीक है जी, ऑर्डर इज डिफाइंड, हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ए सेट ऑन विच एन ऑर्डर इज डिफाइंड, कहता है कि सेट के अंदर हमारा ऑर्डर डिफाइंड हो, हम क्या कहते हैं इज कॉल्ड, इसको हम ऑर्डर फील्ड कहते हैं, सॉरी ऑर्डर सेट कहते हैं, ठीक है जी। ये हमारा ऑर्डर सेट हो गया, तो इसमें हमारे पास तो द कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी कंपेरेबल, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर होता है ना जो हमारे पास कंपेरेबल नहीं होता, जिसकी बिना पे हम उसको ये कह सकते हैं कि वो हमारा ऑर्डर सेट नहीं है, ठीक है। वो कंपेरेबल कैसे नहीं होता, आप एग्जांपल लेते हैं, एक छोटी सी आपको भी समझ आएगी। हम करते हैं जी लेट, मेरी पहली एग्जांपल लिख लें, हमने किया है जी लेट, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर ये 2 है होता है और एंड 3 होता है, ठीक है, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, दीज आर नॉट कंपेरेबल, ठीक है, बिकॉज कैस, किस वजह से हम कंपेयर नहीं कर सकते, आयोटा की वजह से, ठीक है जी, हम आयोटा की वजह से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। हमने क्या करना था के सेट की डेफिनेशन दोबारा देख लें, ए सेट ऑन विच एन ऑर्डर से ऑर्डर इज डिफाइंड, कहता है कि सेट के अंदर हमारा ऑर्डर डिफाइन हो ना, तो वो हमारा ऑर्डर सेट होता है। वो हम ऑर्डर की हम डेफिनेशन देख चुके हैं, उसमें हम रिलेशन यूज करते थे, इसमें हम वही चीज करेंगे, रिलेशन हमारे पास इसका नहीं बन सकता क्योंकि ये कंपेरेबल नहीं है। कैसे नहीं कंपेरेबल, ये आयोटा की वजह से कंपेरेबल नहीं है, जैसे कि हम अगर 2 आयोटा ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी रिलेशन ले रहे हैं, ये 3 आयोटा, हमें नहीं पता कि इसको हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमारे पास कंपेरेबल नहीं है एयोटा की वजह से, जिसकी वजह से हम इसको कंपेरेबल नहीं कर सकते, तो ये हमारा ऑर्डर सेट नहीं है, ठीक है। तो हाँ, इसमें के ओ एन है ना जो नेचुरल नंबर, वो हमारा कंपेरेबल है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर में से हम ले रहे हैं, इधर हम लिख देते हैं द नेचुरल नंबर जो हमारा नेचुरल नंबर है ना एन, वो हमारा कंपेरेबल है, ठीक है, आर कंपेरेबल, ये हमारा कंपेरेबल है, सो हम कह सकते हैं कि एन इज ऑर्डर सेट। तो हमारा एन क्या होगा, फिर ऑर्डर सेट होगा। ये कैसे ऑर्डर सेट होगा, एन हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है, आपको पता है वन से स्टार्ट होते हैं, इसमें से आप कोई भी दो एलिमेंट्स उठा ले, जैसे मैंने एक 1 उठाया, एक 2 उठाया, ठीक है, इस पर आप कोई भी रिलेशन यूज करें,
जैसे मैं इस पे ग्रेटर देन इसको ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, हम पता है कि 1 <2 से, क्योंकि इसमें योटा तो नहीं है ना अब, ठीक है। ऐसे हम होल नंबर भी ले सकते हैं, वो भी हमारे पास कंपेरेबल है, तो ये हमारे पास कंपेरेबल है, ठीक है। सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा ये सारे कंपेरेबल होते हैं, कंपेरेबल हो तो वो हमारे पास ऑर्डर सेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा एन हमारा ऑर्डर सेट है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्डर फील्ड, ठीक है जी, ऑर्डर फील्ड। ऑर्डर फील्ड हमारे पास क्या है जी, ऑर्डर फील्ड हमारे पास क्या है जी, ए फील्ड इज सेट टू बी, इज सेट टू बी ऑर्डर फील्ड, इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम, ठीक है। अगर हमारे पास ये फॉलोइंग सेटिस्फाई कर, एक्सियम सेटिस्फाई करे इसके, तो वो हमारे पास ऑर्डर फील्ड होगी। फील्ड, ए फील्ड इज सेट टू बी ऑर्डर फील्ड इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम, वो एक्सियम कौन से, वो हम देखते हैं जी। फर्स्ट क्या है एक्सियम उसका, लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, ठीक है जी। ट्राइकोटॉमी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, वो ही है सारा, ठीक है। तो अब कहते हैं तो हम लिख देते हैं, तो क्या है, हम फिर भी लिख देते हैं, फॉर हमारे पास ए बी बिलोंग करता है आर में से, ठीक है जी। हम इसमें क्या लेते थे जी, फर्स्ट इसकी थी जी ए लेस देन बी है अगर, सेकंड थी जी ए ग्रेटर देन बी हो अगर, और थर्ड वन क्या थी जी, ए इज इक्वल टू बी हो, ठीक है। ये लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी था, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, वो क्या था हमारे पास, ठीक है, वो हमारा क्या था जी, सेकंड क्या था जी इसका, ट्रांजिटिव है जी, ट्रांजिटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, ठीक है जी। ट्रांजिटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। फॉर ए बी हमारे पास बिलोंग करता है जी आर में से, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिटिव में अगर हमारे पास ए लेस देन बी हो, ठीक है, एंड बी लेस देन सी हो, देन हमारे पास क्या हो जाता है जी, ए लेस देन सी हो जाता है, ठीक है। ये था हमारे पास ट्रांजिटिव लॉ। अब बात आती है जी थर्ड की, तो थर्ड क्या है, कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर, कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन, ऑफ ऑर्डर रिलेशन रिलेशन विद एडिशन कंपोजिशन, ठीक है जी। एडिशन कंपोजिशन हमारे पास कैसे होता है जी, वो हम देखते हैं जी, कंपोजिशन, ठीक है जी। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसकी क्या, अगर हमारे पास ए, इसमें भी हम पहले लिखने हैं कि फॉर ए बी जो हमारे पास बिलोंग करता है जी आर में से, ठीक है। अगर हमारे पास ए लेस देन बी हो, देन हम कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद एडिशन कंपोजिशन कह रहे हैं, तो हम एडिशन की बात करेंगे। अगर हम इसमें कोई नंबर ऐड कर दें सेम नंबर दोनों साइड पे, तो वो हमारा उसमें कोई फर्क ना आए, तो वो हमारा कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद एडिशन कंपोजिशन होता है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने सी ऐड किया है, वो भी आर से ले लिया है, कि जैसे हम ए लेस देन बी था ना हमारे पास, ए लेस देन बी है, ए को मैंने 2 ले लिया और बी को मैंने 3 ले लिया, क्योंकि 2 <3 है, इधर हमारा ए लेस देन बी था। अब सी को हमने दोनों साइड पे एडिट करना है, वो मैंने 1 ले लिया है, ठीक है, और 3 + 1 ये क्या आ गया हमारा, 3 <4। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 <4 है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से हमारा कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद एडिशन कंपोजिशन है, ठीक है जी। तो ये था हमारा एडिशन कंपोजिशन में, अब हम इसको मल्टीप्लीकेशन कंपोजिशन में भी ले सकते हैं, वो हम कैसे लेंगे जी, वो हम देखते हैं जी। कंपेटिबिलिटी है हमारे पास 4 है जी, कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन, कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद मल्टीप्लीकेशन कंपोजिशन, ठीक है जी।
ठीक है, इसको अब हम मल्टीप्लीकेशन कंपोजिशन में कैसे देंगे। फॉर ए बी हमारे पास बिलोंग करता है जी आर में से, तो इसको अब हम क्या लेंगे, हम एडिशन के लिए फिर मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम ए लेस देन डी है अगर हमारे पास, तो ये ए सी लेस देन बी सी हो जाएगा फॉर सी बिलोंग करता है जी आर में से। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन है, सिर्फ इसमें मल्टीप्लीकेशन की बात आ गई है, उसमें एडिशन की थी, तो इधर भी हम सी उधर सी एडिट कर रहे थे, जैसे कि इधर हमने ले लिया है टू लेस देन थ्री है जी, इसमें अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कौन सा नंबर, मैं वन ही ले लेता हूँ, 3.1, तो ये टू लेस देन थ्री। ठीक है, अब देख रहे हैं ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसमें हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है, उधर हमने एडिशन करनी है। ठीक है, ये था हमारा कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विद मल्टीप्लीकेशन कंपोजिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है, हमने मतलब रिलेशन को डिस्कस किया, ऑर्डर को डिस्कस किया, ऑर्डर सेट को डिस्कस किया, और ऑर्डर फील्ड को डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चार पांच चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, तो आज तक आज लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।